نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो दियो ने जलना सीखा। रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो दियो ने जलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का शब गम ने डलना सीखा। ये ज़मीन रुकी हुई थी ये फलक तमा हुआ था। ये ज़मीन रुकी हुई थी ये फलक तमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद तो जहाँ ने चलना सीखा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुआज़िज़ सामईन, आज मुझे इस महफ़िल सईद में जिस मौजू पर लब कुशाई करने का हुक्म दिया गया है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन गरामी, वैसे तो सीरत का माना लुगत में किसी कारकर्दगी या कारनामों को अहाता करने के आते हैं, लेकिन आज तक कोई मुसन्निफ, कोई मुअर्रिख, कोई मुदब्बिर, कोई मुकर्रिर और कोई मुदब्बिर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का अहाता किया हो। चुनांचे मैं वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए सीरत के चंद पहलुओं पर रोशनी डालूंगा। हाज़रीन मुहतरम, मेरे आका की सूरत असीन है, सीरत बेहतरीन है, सूरत में जमाल है, सीरत में कमाल है। मेरे महबूब पैगंबर की सीरत का बाप इतना वसी है कि अम्मा सिद्दीका, पैगंबर के रफीका, अज़वाज में खलीका, कायनात में बा सलीका, शान में अजीबा, हबीबे खुदा की हबीबा, बाग़े नबूवत की अंदलीबा। वो फरमाती है काना खुलुकुहुल कुरआन, सारा कुरआन मेरे मुस्तफ़ा की सीरत है। समीन मुकर्रम, मेरे नबी मुस्कुरा कर देखे तो जन्नत का मंजर बन जाता है, गुस्से में आ जाए तो कयामत का मंजर बन जाता है, गुस्से में आ जाए तो कयामत का मंजर बन जाता है। असीन ऐसा है कि खुदा ने अपना महबूब बना लिया और आया इतनी है कि अरब के कन्नर लड़के भी हया का मुकाबला ना कर सके। असीन ऐसा है कि खुदा ने अपना महबूब बना लिया और बहादुर इतना है कि अरब और बहादुर इतना है कि अकेला गज़वा हुनैन में खड़ा होकर कहते हैं अनन नबी जुला कदीब अनब नु अब्दुल मुतल्लिब नाम दिन और महरूबान इतना है कि सारी जिंदगी किसी को उंगली का इशारा भी ना किया। मेरे महबूब की अजीब सीरत है, बेवकत हुजूर में दो चीजें हैं, मेरे बंदी आका बहादुर भी है, शरीफ भी है, असीन भी है, उम्मी भी है, बाया भी है, उस्ताद भी है, यतीम भी है और वारिस भी है। ग्रामे कदर हाजरीन, मुझे कहने दीजिए, मेरे नबी मुस्कुरा कर देखे तो जन्नत का मंजर बन जाता है, गुस्से में आ जाए तो कयामत का मंजर बन जाता है, गुफ्तगु करे तो आदेश बन जाती है, अमल करे तो शरीयत बन जाती है, कदम उठाए तो सुन्नत बन जाती है, जवान तनिका में आए मोमिनीन की माँ बन जाती है, मक्का आए मदीना, मक्का आए मुकर्रमा बन जाता है, मदीना आए तो मुनव्वरा बन जाता है, अबू बकर आए तो सिद्दीक बन जाता है, उमर आए तो फारूक बन जाता है, अली आए तो इधर का रार बन जाता है। ये सब कुछ कैसे हुआ था, क्यों कर हुआ था, ये इंकलाब कैसे आया था, मैं अर्ज करूं ये इंकलाब हुजूर के मेहनत से परपा हुआ था। ये तकय्युर सीरत नबी के इंकलाब की तालीमात की बरकत से आई, ये तब्दीली सीरत नबी के इंकलाब की तालीमात की बरकत से आई थी। ग्रामे कदर सामईन, आज भी हिदायत रब्बानी और तौफीक आसमान मौजूद है और सीरत के जलसे भी बहुत हो रही है। एक मेहनत नबी के लिए बड़ा बड़ा जुलूस भी निकल रहे हैं, पर के रिसालत में नज़ारों के तक पेश करने में कोई कोताही नहीं की जा रही है, लेकिन वो फिजा और माहौल नहीं है जो सहाबा के दौर में था। अगर आप वो फिजा और माहौल पैदा करना चाहते हैं तो हमारे लिए सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ रजू जरूरी है, इससे में हमारा इलाज है। इस्लाह आलम का अब सामान होना चाहिए, इस्लाह आलम का अब सामान होना चाहिए, सबका दस्तूर अमर सीरत नबी होना चाहिए। यही आरज़ू सीरत मुस्तफ़ा आम हो जाए, यही आरज़ू सीरत मुस्तफ़ा आम हो जाए, सबसे ऊंचा परचम परचम इस्लाम हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।